हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जा रहे हैं एक शिव जी के टेंपल में घूमने के लिए, उसके बाद हम मॉल भी जाएंगे। सो यहाँ पर मैं लिफ्ट में एंटर करने ही वाली थी क्योंकि लिफ्ट बंद होने वाली थी, तो भैया ने हाथ करके रखा था, लिफ्ट बंद नहीं हुई। तो यहाँ पर जैसे मैं ब्लॉग बना रही थी तो लक्की ने मेरे सर पर ऐसे हाथ हल्का सा मारा, क्योंकि उसे ब्लॉग बनाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ब्लॉग बना रही थी। तो यह आ चुकी हमारी कार और अब हम चल दिए हैं। आज बहुत तेज़ धूप हो रखी है, मुझे बिलीव नहीं था कि अभी बजने सुबह के 10 और इतनी तेज़ धूप हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि शाम के 4 बजे हुए हैं। सो फाइनली कार में बैठ के हम चल दिए हैं। और ये जो टेंपल हम जा रहे हैं भोलेनाथ के, बहुत फेमस है और इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, बटेश्वर का टेम्पल है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो। सो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर इस समय जूस वगैरह बन रहा है, सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के, फल फ्रूट्स के। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कितने बजे भी आते हो तो आपको मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, छोले भटूरे से लेकर एवरीथिंग अवेलेबल है। और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी हैं आज इस प्लेस पे, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन धूप ने सारा मज़ा जो है किरकिरा करके रखा है क्योंकि बहुत तेज़ ज़्यादा धूप लग रही है। एनीवेज हम लोग चलते हैं अंदर की साइड में और अंदर देखते हैं कि अंदर का क्या माहौल दिखता है। सो हम अंदर आ चुके हैं टेंपल के और यहाँ पर जो है पूजा पाठ के सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, चुन्नी वगैरह लगा हुआ है और एक प्रसाद वगैरह के सब तरीके के जो हैं जो एक पूजा सामग्री चाहिए होती है, और बकेट वगैरह भी लगे हुए हैं अगर आपको प्लास्टिक का आइटम लेना। तो ओवरऑल सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। सो वो सामने टेंपल है, हमें वहाँ पर जाना है दर्शन करने के लिए, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। अभी हम लोग देखना है कि कहाँ पे जो है चप्पल वगैरह उतारी जाए, तो यहाँ पे हम सोच रहे थे, बट अब इस साइड में उन्होंने कहा कि इस साइड में सारी चप्पल वगैरह उतर रही है, तो अब हम उधर ही जा रहे हैं। और मेरा जो था कि यहाँ पे चप्पल उतार दी, अब हम अंदर चल दिए हैं। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो पता नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धक्का मुक्की इतनी लग रही थी कि मेरा फ़ोन तो एक बार बारी गिरने से ही बचा, बट फाइनली रिकॉर्ड नहीं हो पाया वहाँ पे। एंड मैं किसी वहां से निकल के दर्शन करने के बाद में, क्योंकि बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। उसके बाद ये फेवरेट टेंपल फेमस है घंटी की मान्यता के लिए, क्योंकि अगर आपकी कोई भी मान्यता है तो आप यहाँ घंटी मान सकते हो। तो यहाँ पर इतनी सारी घंटे लगी हुई हैं, मैंने एक घंटी बजाई यहाँ पर, क्योंकि अच्छा होता है मंदिर से जब आप निकलो तो घंटी बजाओ। एनीवेज तो उसके बाद हम चल दिए हैं, हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। और इसके सामने एक और टेंपल है गौरी शंकर जी का, वहाँ पर महादेव, माता रानी और गणेश जी बैठे हुए हैं। तो वो टेंपल जो है गौरी शंकर जी का, हम वहाँ जा रहे हैं। इतनी तेज़ धूप थी ना कि जो पत्थर थे ना वो भी गर्म हो गए थे, तो बहुत पैर ऐसा लग रहा था कि जल से। एनीवेज फिर हम बाहर आ चुके हैं अच्छा गौरी शंकर के दर्शन करने के बाद। और यहाँ पे आने के बाद जो है हम सीधे जाएंगे घर की तरफ, और घर की तरफ जाने से पहले पापा और लक्की को कुछ खाना भी खाना है यहाँ पे, तो वो पहले खाना खाएंगे, देखते क्या खाते हैं लोग। मेरा तो ऐसे कुछ खास मन नहीं है, ये है नंदी जी। तो लक्की और पापा यहाँ पे खा रहे छोले और भटूरे, और मैं यहाँ पे नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैं घर लेके जाऊँगी तब खाऊँगी। तो फाइनली यहाँ पे छोले भटूरे के लिए काफ़ी देर से लोग वेट कर रहे थे और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी पूरे ब्लॉग को। और ये छोले भटूरे आ चुके हैं यहाँ पर, और उन्होंने पूरे खीरे वगैरह के साथ में एक अच्छे से छोले भटूरे दिए। फिर मैं यहाँ पे घर आ गई और अब हम निकल रहे हैं पिक्चर के लिए। पिक्चर डेफिनेटली किंग कॉन्ग, मैंने किंग कॉन्ग की पिक्चर पहले देखी थी, तब मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी जब उसमें वो किंग कॉन्ग था, वो लड़की को बचा रहा था। तो वही पिक्चर देखने के लिए अब मैं दोबारा जा रही हूँ। एंड जो वही पिक्चर देखने के लिए नहीं, मतलब इसमें जो दोबारा किंग कॉन्ग की मूवी आई है ट्रेलर, जिसमें वो गॉडज़िला से फाइट करेगा, एंड आई रियली लव दिस मूवी। एंड किंग कॉन्ग तो है ही भाई, सुपर हीरो है, वो तो सबको बचाता ही है। एनीवेज तो हम पहुँच चुके हैं मॉल में और धूप का कहर कायम है। धूप जो है उसने ठान लिया है कि मतलब तेज़ी से धूप देगी सब लोगों को, ताकि बर्दाश्त ना हो लोगों पे। बट हम मॉल के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे, और हवा अच्छी चल रही है। एक बात अच्छी है कि धूप तो है पर उसके साथ हवा भी अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से मेरे पूरे बाल ऐसे हो चुके हैं, इधर के उधर हो चुके हैं। पर ठीक है, अच्छा लग रहा है, इतनी तेज़ धूप में हवा तो होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, वो मस्ती हो जाती है ना। तो मॉल के अंदर हम पहुँच चुके हैं, और मॉल के अंदर पहुँचते ही यहाँ के सबसे फेवरेट चीज़ है गेम। ये गेम है वर्चुअल 3D गेम है, जिसमें एक आपके सामने एक चश्मा टाइप में लगाते हैं, जो पापा भी आपका पापा खेल रहे हैं इस गेम को, और उसमें आपके सामने पिक्चर शो होगी जिसमें तरह तरह के एनिमल्स या फिर कुछ भी जो आप गेम लगाओ वो आएगा, वो आपको 3D में दिखेगा, और एक साउंड निकलता है इसमें से, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ मतलब हिल रही है, वो चीज़ रियलिटी में हो रही है। तो पापा को तो बहुत बार डर लगा इस दौरान,
उनको ऐसा भी लगा कि वो गिर रहे हैं, उन्होंने बताया जब गेम पूरा हुआ। एंड मैंने यहाँ पे बस रिकॉर्ड करना था, मैंने कहा कि मैं गेम नहीं खोलूँगी, मैं बस देखूँगी कि क्या हो रहा है। सो मैं यहाँ पर साड़ी पसंद आई थी, मैं गई तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी, ओ माय गॉड, मैं तो प्राइस सुन के भाग गई बहुत कॉस्टली थी। तो हम जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए।지한 시간들대로 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 웃어주고 तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे मूवी हॉल में, और यहाँ पे अभी लोग आना स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे जो है योद्धा मूवी भी लगी हुई है। हालांकि मैंने इसके बारे में सुना है पर मैंने देखी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, और यहाँ पे हमें लेना है पॉपकॉर्न, क्योंकि हमारा पॉपकॉर्न सबसे ज़्यादा फेवरेट है। लगा तो पिज़्ज़ा भी था, इसको देख के मेरा मन चल रहा था। 80 रुपीज़ वन स्लाइस था इसका, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करती हूँ कि कैसा है। बट ट्रस्ट मी, मुझे पॉपकॉर्न बेस्ट लगते हैं यहाँ के, क्योंकि बटर में बहुत अच्छे से उनको बनाया जाता है। सो यहाँ पे पॉपकॉर्न ले लिए मैंने, और हाँ लग भी लिया था, बट जब मैंने इसे खाया तो इसमें कोई भी टेस्ट नहीं था, टेस्ट लेस था ये पिज़्ज़ा। आई रियली डू नॉट लाइक दिस पिज़्ज़ा एट ऑल। सो अब हम यहाँ से चल रही हैं पिक्चर हॉल में, भी आ चुके हैं। तो जैसे ही मैं पिक्चर हॉल के अंदर आई, मैं थिएटर के अंदर आई, तो इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे तो दिख भी नहीं रहा था कि पता नहीं क्या क्या है। और मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं सीढ़ियों से गिर ना पड़ूँ। मेरे हाथ में पॉपकॉर्न भी था, तो बहुत डर लग रहा था। बट फिर मैं आके बैठ गई और मूवी स्टार्ट हो गई। मूवी की स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा अच्छी इसकी एंट्री थी किंग कॉन्ग की, इतनी पावरफुल एंट्री थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपको अगर किंग कॉन्ग देखनी है ना, तो आप भी देखो, बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे तो। एंड यहाँ पर ना मूवी देखते टाइम पे जो एक हमें चश्मे भी दिए गए थे 3D के लिए, बट वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे लग रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था। एनीवेज हम बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद मुझे ड्रेस दिखी जो कि अच्छी लग रही थी, बट बहुत कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा प्राइस हाई थे। और मेरा ट्राईपॉड कर लिया गया था जमा पिक्चर देखने से पहले, तो उसे दोबारा लेने के लिए मैं दोबारा सीढ़ी चढ़कर 4th मंजिल पर गई, और वहाँ पर फिर मैंने अपना ट्राईपॉड लेना था। और मैंने सोचा आई हूँ तो ट्राईपॉड ले लिया है, उसके बाद मैंने थोड़ी पिक्चर खिंचाई यहाँ पर जो पोस्टर लगे थे उनके साथ में। तो फिर अब ट्राईपॉड ले लिया है मैंने, और हम बाहर आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी लगी हुई थी, बट सबके प्राइस बहुत कॉस्टली थे। मतलब आप विंडो शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो बहुत बेस्ट है, अदरवाइज कुछ लेना हो तो बहुत कॉस्टली चीज़ें थी यहाँ पे। लिपस्टिक से लेकर सबके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। एंड फाइनली हम बाहर आए तो बहुत अच्छी धूप थी, बहुत अच्छा। अब जो धूप का जो वो था ना, एक टेम्परेचर वो थोड़ा कम हो गया था, हल्की हल्की धूप रह गई थी क्योंकि इवनिंग टाइम हो चुका था, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। आके एंड चलिए अब चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने मूवी तो देख ली है, अब कुछ खा भी लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहुँची खाना खाने के लिए, और यहाँ पे मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने सिर्फ पाव भाजी ली और मैंने एक बेसिक जो है खाना पीना खाया। सो यही था आज के व्लॉग में। आई होप, आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।